स्टूडेंट्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम बी ट्रिपल ई में मैथ एनालिसिस की जो ट्रिक मैं हमेशा यूज करता हूँ उस चीज को मैं बताने वाला हूँ। मैथ एनालिसिस किस तरह से आसानी से किया जा सकता है और कहाँ कहाँ ये चीजें कर सकते हैं, मैथ एनालिसिस का जो ट्रिक है केवीएल की कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको मैं पूरा आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ताकि इन फ्यूचर वीडियोज में मैं बहुत जगह ये ट्रिक यूज करने वाला हूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये तो गिवन क्लोज सर्किट है, यहाँ पे मेरे को सिंपल सा पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले केवीएल अप्लाई करके अपना जो है और उससे मैं आई वन आई टू की वैल्यू निकालूंगा, बाद में मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा और बाद में मैं बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे दो मैश है, इसको मैं आई वन ले लेता हूँ, इसको मैं आई टू ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आराम से अपन केवीएल से अपन आई वन और आई टू की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सिंपल अप्लाई केवीएल टू मैश वन, मैश वन में केवीएल अप्लाई करता हूँ तो ये देखो ये प्लस फाइव माइनस टू आई वन माइनस थ्री आई वन माइनस आई टू माइनस टू आई वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, फाइव माइनस टू आई वन माइनस थ्री आई वन माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस थ्री आई टू माइनस टू आई वन इक्वल टू जीरो। तो जैसे आप देख सकते हो माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू, तो टोटल टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, तो माइनस सेवन आई वन प्लस थ्री आई टू और ये फाइव को मैं वहां भेज देता हूँ तो माइनस फाइव। तो ये मेरे को पहला इक्वेशन मिल गया सिंपल फॉर्म में। इसी तरह से हम केवीएल अप्लाई करते हैं, बेस जो जो सब भी अप्लाई करते हैं वो इसी तरह होता है। तो मेरे को पहली इक्वेशन मिल गई, अब सेकंड में आते कि अप्लाई केवीएल टू मैश टू। अब हम इस पे केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, माइनस थ्री आई टू माइनस आई वन माइनस वन आई टू, तो सिर्फ आई टू लिख सकता हूँ मैं, माइनस टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस थ्री आई टू प्लस थ्री आई वन माइनस, हाँ ये आई टू है, माइनस आई टू माइनस टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। जैसे आप देख सकते हो थ्री वन पॉजिटिव है तो थ्री आई वन माइनस तीन एक चार छ माइनस सिक्स आई टू इक्वल टू जीरो। तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 3i1 आई वन माइनस सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वेशन को मैं आराम से लिख देता हूँ इधर, इन दोनों इक्वेशन को मैं, पहली इक्वेशन क्या मिली थी मुझे, माइनस सेवन आई वन प्लस थ्री आई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस सेवन आई वन प्लस थ्री आई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव। और दूसरी मिली थी हमें इक्वेशन जैसा आप देख सकते हो, 3i1 माइनस सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो, 3i1 माइनस सिक्स आई टू इक्वल टू जीरो। तो इसको हम कैलकुलेटर में कैसे लिखते हैं, कैलकुलेटर में अपने को जब आप कैलसी में निकालते अक्सर वैल्यू क्या करेंगे, मोड फाइव वन, जब आप ये टाइप करते हैं तो आपको सामने एक मैट्रिक्स आती है दो इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे ए लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, सी लिखा रहता है, उसमें आपको वैल्यू डालनी पड़ती है। तो हम क्या क्या डालेंगे, माइनस सेवन थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस सिक्स जीरो। तो चलो इस चीज को कैलकुलेटर में डालते हैं। तो अब आ जाता है भाई पिक्चर में कैलकुलेटर, मोड फाइव वन। ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखना है, माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन थ्री और फाइव, माइनस सेवन थ्री माइनस फाइव। ठीक है, दूसरा है थ्री माइनस सिक्स और जीरो, तो वैल्यू क्या मिल रही है, वैल्यू मिल रही है जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो आई वन, और आई टू मिल रहा है जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव। तो आई वन की वैल्यू मिली मेरे को जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो और I2 की वैल्यू मिली 0.4545 एम्पियर एम्पियर। इतना क्लियर हुआ, ये सिंपल सा KVL है, हर कोई बंदा अप्लाई करता है।
तो आप बोलोगे सुमे तेरी ट्रिक में क्या है और तू तेरी क्या ट्रिक है, तो मेरे को मेरी ट्रिक बता देता हूं मैं क्या करता हूं। यही चीज है, फॉर्मेलिटी के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि अप्लाई केवीएल टू मैश वन, पर मैं कुछ घूमता फिरता नहीं हूं, मैं एकदम सिंपल सा करता हूं। देखो मैं मैश वन में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, किसमें अप्लाई कर रहा हूं, विजिबल है, हाँ विजिबल है, मैं मैश वन में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं। मैश वन में कितने रेजिस्टेंस है, भले वो शेयर हो रहे हैं किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस सर्कल में कितने रेजिस्टेंस है, जैसे आप देख सकते हो 224 प्लस 37 कितने रेजिस्टेंस है, 7, तो भाई 7 रेजिस्टेंस है, तो मैं 7 आईएमएल लिखूंगा। केवीएल किसमें अप्लाई कर रहा हूं, मैश वन में अप्लाई कर रहा हूं, तो वो चीज मेरी पॉजिटिव होगी। इतना क्लियर है, अगर मैं मैश वन में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा ये पॉजिटिव होगा। अब आई वन किसके साथ रेजिस्टेंस शेयर कर रहा है, आई टू के साथ कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस शेयर कर रहा है, 3, तो -3 I2। तो खुद को छोड़ के बाकी जितने भी रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो, खुद के आई वन को छोड़ के आई टू आई थ्री जो भी होता है वो नेगेटिव आता है मेरे ट्रिक में, ठीक है। तो 7 I1 टोटल कितने रेजिस्टेंस है मेरे मैच में, जितने शेयर हो रहे वो माइनस, इक्वल टू। अब इतना याद रखना, लोग क्या कर देते हैं, वोल्टेज को उल्टा साइन दे देते, नहीं, वोल्टेज में अपना केवीएल में जो अप्लाई करता हूं जो साइन आती है वही लिखना है। तो जैसे मैं यहां पे जा रहा हूं तो मैं नेगेटिव से अंदर जा रहा हूं, पॉजिटिव से निकल रहा हूं, +5 आ रहा है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, +5। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन 1, ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन 1। अब आ जाता है इक्वेशन 2 में, यानी अप्लाई केवीएल टू मैश, तो मैश 2 में अप्लाई करना है, तो सीधा अभी आप कितना देखने का, मैश I2, इसमें कितने रेजिस्टेंस है, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, तो सीधा +6 I2 लिख देने का। क्यों, क्योंकि मैश 2 में अप्लाई कर रहा हूं, तो वो क्या अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो किसके साथ शेयर कर रहा है, कौन से मैश के साथ शेयर कर रहा है, I1 के साथ शेयर कर रहा है, कितना कर रहा है, -3 I1, यानी खुद को छोड़ के बाकी चीजें क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इक्वल टू कोई वोल्टेज सोर्स है, नहीं, तो 0। तो अब इन चीजों को मैं अगर कैलकुलेटर में लिखूं तो क्या आएगा, mod 5 1 दबाना है, सिंपल, 7 - 3 5 - 3 6 0, ठीक है। इसी चीज को मैं वापस कैलकुलेटर में लिख के दिखाता हूँ और अपना आंसर क्या मिलता है वो भी दिखाता हूँ। फिलहाल क्या, हाँ क्लियर आ रहा है, 5 1, तो अपनी वैल्यू क्या थी, 7 - 3 5, 7 - 3 5, दूसरी क्या थी, -3 6 0, -3 6 0, और आंसर देखो सेम आ रहा है, 0.9090 और 0.4545। आई वन की वैल्यू क्या आई, 0.I1 क्या मिला मेरे को, 0.9090, और I2 क्या मिला, 0.4545। तो आंसर अगर आप वैसे करो या ऐसे करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो देखो भाई, ये कोई ट्रिक नहीं है या फिर कोई जादू नहीं है, ये सिंपल सा मैथ्स का लॉजिक है, जिसको इजी कर करके प्रैक्टिस कर करके कुछ ऐसी ट्रिक्स निकल जाती है। तो कोई भी ट्रिक्स रहती है, और ये रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन इसको कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक बहुत आसान है और आगे के बहुत सारे समय में ये ट्रिक ही यूज करने वाला हूँ, उसके बेस पे समझाने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ गई रहेगी क्या करना है, ठीक है। जहां पे मैं मैश अप्लाई कर रहा हूं उस बंदे को पॉजिटिव लिख देने का, बाकी चीजों को नेगेटिव लिखना है, और वोल्टेज वो डिपेंड करता है साइन पे, यहां से पॉजिटिव था तो मैं डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। अब ये यूज कहां करना है, देखो अगर सिंपल सा आपको मैश एनालिसिस में पूछा गया कि इसको मैश एनालिसिस कर, तो मैं तो कहूंगा केवीएल ही अप्लाई करो भाई। क्यों पता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो लोग आपसे वही चाहते हैं, लेकिन अगर सुपर पोजिशन है या फिर थेविनेंस है, नॉर्टन्स है, उन जगह पे ना, उन जगह पे हम आपको वो लोग मैटर नहीं करते कि आपने किस तरह से करंट फाइंड किया, उनको मैटर करता है मेन आंसर। तो वहां पे आप फटाक से ये अपना ट्रिक यूज कर सकते हो भाई, वहां पे आप केवीएल -1 उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। आप मैश एनालिसिस में भी सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं क्या करने का, समझो मैं मैश 1 के लिए बता रहा हूं, पहले लिख देने का अप्लाई केवीएल टू मैश 1, और करने का भी 5 - 2 I1 - 3 I1 - I2 - 2 I1 = 0,
और इसके बाद सीधा अपना ट्रिक, ट्रिक में क्या था, 7i1 - 3i2 = 5, क्योंकि आंसर तो वही आने वाला है, तो वो कौन सा आपका ये कैलकुलेट करने जाने वाले, समझ रहे हो। उसी तरह से मैथ्स 2 के लिए, उसी तरह से मैथ्स 2 के लिए लंबा चौड़ा लिख देने का, उसके बाद डायरेक्ट अपनी ट्रिक अप्लाई कर देने की। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, वो अपने दिमाग है यार, अपने खेल है। तो दैट्स इट, ये एक ट्रिक थी, एक लॉजिक था जो मैं आपको बताना चाहता था, और आगे सुपरपोजिशन और बहुत सारी जगह में ये लॉजिक काम आने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब यार वीडियो अच्छा लगा और ट्रिक लॉजिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो ना, जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते, वैसे भी वो टाइम कम है तो वो लोग पब्लिक पास तो हो जाएगी और धपाधप कर लेगी। बस भाई इसके भी मैंने नोट्स बनाए, पूरी वीडियो वाली के नोट्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए, अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, बहुत सारे वीडियोस आने वाले एसी के, ट्रांसफॉर्मर के, और बहुत सारे आ चुके, तो प्लेलिस्ट चेक करो भाई प्लेलिस्ट, और सब्सक्राइब करो नीचे के लाल बटन पे, उसके बाजू वाली वो घंटी पे भी, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मचाते रहो, हर महादेव।